हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, पीरियड्स का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक महिला के गर्भधारण करने के लिए। जब भी एक महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है और वो अपने चेकअप के लिए जाती हैं, तो सबसे पहले यही पूछा जाता है आपकी पीरियड साइकिल कैसी है, सबसे पहला सवाल यही होता है। और अगर आप प्राकृतिक तरीके से खुद से तैयारी कर रही हैं गर्भधारण की, तो आपको सबसे पहले अपनी पीरियड्स को ही ठीक करना होगा। तो पीरियड्स की बात करें तो बहुत सारे इश्यूज हैं, कम फ्लो, ज़्यादा फ्लो, ना आना, बहुत टाइम से आना, बहुत टाइम से बंद हो जाना, तो ऐसे बहुत सारे विषयों पर मैंने वीडियो बनाए हैं। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है कम फ्लो पे। बहुत सारी महिलाओं को आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको पीरियड बस नाम भर का आता है, एक दिन, दो दिन या फिर फ्लो बहुत कम होता है। तो उनका ये सवाल था कमेंट में, अक्सर सहेलियों ने पूछा कि अगर फ्लो कम है तो क्या गर्भ नहीं ठहरेगा। तो फ्रेंड्स, कम फ्लो आपके शरीर की कुछ कंडीशन को दर्शाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से फ्लो कम होता है और उसको आपको ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके गर्भ धारण न करने का एक रीजन हो सकता है। तो सबसे पहला कारण कि अगर आपका फ्लो कम है, पीरियड एक या दो दिन के लिए आता है, हल्की स्पॉटिंग होकर रह जाता है पीरियड के नाम पर, तो हो सकता है कि आप ओविलेट नहीं कर रही हैं, या फिर शरीर में एग नहीं बन रहे हैं, या फिर अगर बन भी रहे हैं तो आप उसको ओविलेट नहीं कर रही हैं, और जब तक आपकी ओवेरीज से एग रिलीज नहीं होगा आप गर्भ धारण नहीं कर पाएंगी। इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए आगे वीडियो में मैं कुछ रेमेडीज बताने वाली हूँ जो कि सरल है, सुलभ है, आसान है, घर पे आप कर सकती हैं। तो वीडियो को देखें आगे तक ताकि आप उन रेमेडीज को फॉलो कर सकें। दूसरा नंबर है स्ट्रेस। आज के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत है, इमोशनल भी कह सकते हैं स्ट्रेस होता है और फिजिकल भी होता है, अगर दोनों है तो काफी ज्यादा हो जाता है। तो स्ट्रेस की वजह से भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस की वजह से ब्रेन में जो केमिकल सही तरीके से बनने चाहिए वो बन नहीं पाते, और उस वजह से आपके अंडे मेच्योर नहीं होते, मेच्योर हो सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते और ओविलेशन नहीं होता, आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो स्ट्रेस को दूर करने का प्रयास करें। बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, बहुत लाइफस्टाइल हैक्स हैं जिनको फॉलो करके आप स्ट्रेस भगा सकते हैं। कई महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, कुछ गोलियां लेती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं, या फिर कुछ डिवाइस इंसर्ट कराती हैं जो कि हार्मोनल होती हैं, और उनकी वजह से उनको पीरियड फ्लो ठीक से नहीं आता। तो जब भी आप उन गोलियों को बंद करते हैं या उस डिवाइस को निकलवाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा समय अपने हार्मोन्स को सेट होने के लिए दें, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह लें ताकि आपके पीरियड ठीक हो सके। कई बार एज एक फैक्टर बन जाता है, 30 प्लस में, 35 प्लस में प्री मीनोपोज जैसे कंडीशंस बन जाते हैं, उसकी वजह से भी पीरियड फ्लो कम होते होते धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो मीनोपोज जो बहुत समय से पहले आ रहा है, बहुत जल्दी आ गया है, उसको ठीक करने के लिए मेरा वीडियो है, तो आप उस वीडियो को देखें, उसकी टिप्स को फॉलो करें ताकि समय से पहले जो मीनोपॉज की कंडीशन आपके शरीर में बनी है, जो हार्मोनल कंडीशन बनी है, वो ठीक हो सके और आप बहुत सरलता से गर्भ धारण कर सकें। कई बार कुछ मेडिकल कंडीशन होती है जैसे कि पीसीओडी में कई महिलाओं को बहुत कम पीरियड आते हैं, कई महिलाओं को बहुत हैवी पीरियड्स आते हैं। इसी तरीके से थायराइड की कंडीशन में महिलाओं को बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है, कई महिलाओं के पीरियड आते ही नहीं है। कई बार सिस्ट होने की वजह से, ओवरीज में अगर सिस्ट है उसकी वजह से भी महिलाओं को बहुत कम फ्लो होता है। कई महिलाओं की जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, वो क्लोज होता है, उस वजह से भी उनको कम पीरियड आते हैं, बहुत ही हल्के पीरियड आते हैं। तो कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, तो अब जान लेते हैं कि रेमेडीज क्या फॉलो करनी है आपको। फ्रेंड्स, आपकी जो इशू है, सपोज आपकी बच्चेदानी का मुंह बंद है या फिर आपको पीसीओडी है, तो इस रेस्पेक्ट में मेरे वीडियोस हैं, तो आप यूट्यूब पर जाकर अपने प्रॉब्लम को लिखें और यूट्यूब सहेली टाइप करें तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा जो आपकी प्रॉब्लम से संबंधित है। लेकिन कुछ कॉमन रेमेडीज हैं जो कि पीरियड ठीक करने के लिए हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल से, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज कि अगर आपके पीरियड इन जनरल लेट आते हैं, समय से नहीं आ रहे, देरी होके आ रहे हैं, तो आपको अजवाइन की चाय या अजवाइन, रात को सोक किया हुआ अजवाइन का पानी, सुबह खाली पेट लेना है। आने वाले पीरियड की डेट से 15 दिन पहले से आपको ये स्टार्ट कर देना है। दूसरी चीज, कई बार महिलाएं एनीमिक होती हैं, उनको खून की कमी होती है, इस वजह से उनको पीरियड समय से नहीं आते, और ये प्रॉब्लम केवल इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में 40-55% महिलाओं के साथ में है जो कि नॉन प्रेग्नेंट हैं। तो ऐसे में आपको फिग और रेजिन, यानी कि अंजीर और मुनक्का पे मेरा वीडियो है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से उसको देखें ताकि आप एनीमिक अगर हैं तो आप ठीक करके आराम से आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाए। पीरियड आने से 10 दिन पहले, आपकी डेट जो अगली है उसके 10 दिन पहले से आप थोड़ा पपाया, पाइन एप्पल और नींबू पानी,
अपने आहार में जरूर शामिल करें। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आपका विटामिन प्रोफाइल क्या है। आप टेस्ट करवाएं अपने विटामिन प्रोफाइल का। ब्लड टेस्ट होता है, उसमें आपके शरीर में कौन से विटामिन का क्या स्तर है, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, ई आदि। तो इनका टेस्ट कराने के बाद आपको जिस तत्व की, जिस विटामिन की कमी है उसका सप्लीमेंट लेना चाहिए। कौन से सप्लीमेंट कैसे लेने चाहिए इन पे भी मेरे वीडियोस हैं, जिनको फॉलो करके आप विटामिन्स ले सकती हैं, कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए आपको। इसके अलावा अगर आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है और आप कामकाजी हैं, आपके पास बहुत समय नहीं होता कि आप कुछ कुक कर सकें, कुछ बना सकें, खा सकें, तो ऐसी कंडीशन में मैंने कई सिरप के बारे में बताया है, बहुत ही हेल्दी आयुर्वेदिक और साइड इफेक्ट रहित कई सिरप के बारे में पता है, उन पे मेरे वीडियोस हैं पीरियड ठीक करने के लिए, पीरियड फ्लो ठीक करने के लिए, डिलेड पीरियड्स के लिए। आप उनमें से कोई भी एक सिरप जो कि आपके लिए उपयुक्त हो, आपको ठीक लग रही हो, उसको फॉलो करना स्टार्ट करें, डेफिनेटली आपके पीरियड प्रॉब्लम, लेस फ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपकी भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, पीरियड फ्लो की प्रॉब्लम को ठीक करने में आपकी जरूर मदद करेगी। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।